नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव बिहार और मैं विभू कुमार झा। बिहार में शिक्षा को लेकर लगातार चर्चाएं जारी है। ऐसे में पूरे बिहार स्तर पर छात्र के नेता हैं दिलीप नाम का, वो अब बिहार में शिक्षा और बेरोजगारी को लेकर जो भी समस्याएं हैं उसको लेकर लगातार अब छात्रों को जागरूक करने का काम कर रहे हैं। आपको बता दें कि जिस तरीके से तमाम परीक्षाओं को जो है लटकाया जाता है 3 साल 4 साल 5 साल बिहार में, उसके बाद जो है कहा जाता है कि स्कैम की बात होती है, ये छात्रों के द्वारा बड़ा आरोप लगाया जाता है इसको लेकर, और यहां तक ये कहा जाता है कि एक SI का जो जॉब होता है उसमें 25 लाख रुपया घूस ले जाती है। तो इस करप्शन सिस्टम को दूर करने के लिए दिलीप जो है अब लगातार अभियान कर रहे हैं, और एक बड़ा अभियान जो कि पूरे बिहार स्तर पर, यानी कि बिहार के हर एक जिले में घूम घूम कर, चाहे वो नालंदा जिला हो या किसी भी जिला में हो, छात्रों को आप जागरूक करेंगे, छात्रों को बताएंगे कि कैसे बेरोजगारी को दूर करना है, कैसे शिक्षा को सुधार करना है, ताकि सरकार को भी चेताने की जरूरत है कि हमारा जो अधिकार है उस अधिकार को हनन ना हो सके। उसके बाद लगातार ये अभियान जारी करके छात्रों को मोटिवेट कर रहे हैं और जगह जगह एक नया अभियान बना रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं। अब तस्वीरों के माध्यम से देखिए कि दिलीप जो है नालंदा जिले में या फिर अब हर जिले में किस तरह से जनसभा करके छात्रों को संबोधित कर रहे हैं, तस्वीरों के माध्यम से देखिए। और ये देखिए, सुनिए कि दिलीप क्या कुछ कह रहे हैं छात्रों को। कि विधानसभा में आवाज उठ रही है, जब सारे जिला से 1 लाख का हस्ताक्षर हो जाएगा तब क्या होगा, आप लोग खुद समझिए। अभी नालंदा जिला में सिर्फ शुरुआत हुई है, तो और हमारा अगला प्रश्न है 35% परिणाम बाहर आ रहा है, किसी भी राज्य में आरक्षण का लाभ वहां को मूल निवासियों को मिलता है, न कि बिहार से बाहर को या किसी भी राज्य से बाहर के निवासियों को। बिहार से बिहार के स्टेट को झारखंड में तेलंगाना में फॉर्म नहीं भरने दिया जाता, और यहाँ बाहर की महिला को आरक्षण देने बिल्कुल गलत है, नहीं होना चाहिए। रेलवे किसी ग्रुप भी ये मांग केंद्र सरकार से है, ये बहाली न्याय के साथ गलत पूरी हो, और रेलवे का भी वार्षिक कैलेंडर जारी हो। पहले रेलवे की हर साल वैकेंसी आती थी, लेकिन आज हर साल वैकेंसी नहीं आती है, हर साल वैकेंसी नहीं आती है, तो हर साल वैकेंसी आनी चाहिए। ये सब जो डिमांड है हमारा, अगर किसी को लगे गलत है तो बताइएगा, हम उसको सुधार भी करेंगे, लेकिन मुझे नहीं लगता कि मैंने पूरे अपने अनुभव के आधार पर यह तय किया गया है, और बिहार के समस्त छात्र छात्राओं से जो आया है मैसेज या कॉल आया है उसके आधार पर भी किया गया है। ये सब हमारा प्रतिबद्धता है, ग्रेजुएशन का कोर्स 3 साल चलेगा, 5 साल 4 साल में पूरा होता है, तो अंतिम वर्ष की को छोड़ दीजिए, तो ये 3 साल ग्रेजुएशन का जो कोर्स है वो पूरा होना चाहिए। तो आप लोग यहाँ आए इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को, लेकिन ये जोश और जुनून आगे भी बरकरार रखना है, ये नहीं कि यहाँ से जाने के बाद शांत हो जाए। BPSC की बात बता रहा हूँ, BPSC में 25 लाख इंटरव्यू में मांगा जाता है, कोरोना के चलते 25 लाख से 30 लाख नहीं हुआ है, दरोगा बहाली में भी 25 लाख, इसमें इंटरव्यू में 25 लाख, और दरोगा बहाली में PT मेंस फिजिकल सबका 25 लाख, BPSC में 25 लाख मांगा गया इंटरव्यू में, मार्क्स आप 25 लाख दीजिएगा। तो आपने सुना जिस तरीके से दिलीप जो है जगह जगह पूरे बिहार में एक अभियान छेड़े हैं, कि आप जो मुहिम है इनका कि छात्रों को प्रेरित करें, छात्रों को हमेशा जागरूक करें, और उसके बाद छात्र जब जागरूक हो जाएंगे तो बिहार की तरक्की जरूर होगी। यदि छात्र रोजगार की बात सही रूप से उनको लगेगा कि रोजगार मिल रहा है, सरकार की नीति जब ठीक हो जाएगी तो छात्र के अंदर में एक अलग ही उत्साह जगेगा और छात्रों को हतोत्साह नहीं होना पड़ेगा। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही, आप बने रहिए लाइव बिहार के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। लाइव बिहार YouTube पर सब्सक्राइब और Facebook पर लाइक जरूर करें।